तो यारो कैसे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन, जो कि यार वाकई में बहुत जबरदस्त स्मार्टफोन है और बहुत सारी मतलब कंपनीज लेकर आ रही हैं ये स्मार्टफोन। और यार ये बजट को भी ला देंगे, मिड रेंज को भी ला देंगे, और इसमें सबसे आगे जो हाथ होगा ना वो ऑनर का होगा। ऑनर ने यार फरवरी में जो मतलब स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है ना, बहुत जबरदस्त काम कर रहा है। और मैंने मतलब जितने भी मोबाइल्स के बारे में बताने वाला हूँ, सबके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए सही है। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि जो भी होगा, और मैं आप लोगों को इसकी स्पेसिफिकेशन नहीं बताऊंगा किसी मोबाइल की, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे पता चल सकती है। तो यार अगर आप लोग जानना चाहते हो टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन फरवरी के, तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार अगर हम लोग बात करें टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन का, तो पहला जो स्मार्टफोन है वो है Honor 8C। अब यार ये वर्ल्ड का पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमारे को 632 वाला प्रोसेसर देखने को मिला है, 632 वाला प्रोसेसर मिल रहा है जो कि, और इसकी जो प्राइस है वो है 30,000 रुपये की एक्सपेक्टेड प्राइस है, और इसी प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है। और यार इस प्राइस टैग में भी ये बहुत ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, और इसके लिए मतलब ये फरवरी में फर्स्ट वीक में लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में। अब अगर आप लोग इंटरेस्टेड थे Honor 8C में, तो फरवरी के फर्स्ट वीक में ये लॉन्च हो जाएगा, कन्फर्म हो गया ये। तो अगर हम लोग देखें, तो अगर आप लोग इसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो, ये मोबाइल कैसा है, बुरा है, अच्छा है, मैंने सब कुछ इस मोबाइल के बारे में बताया हुआ है, तो उसकी जो लिंक है वो आप लोगों को आई बटन में मिल जाएगी, आप लोग यार वहाँ से देख सकते हो स्पेसिफिकेशन अगर आप लोग जानना चाहते हो। जिस मोबाइल के बारे में बता रहा हूँ उस मोबाइल की मैंने मतलब पहले से ही बताया हुआ है। अगर आप लोग उन मोबाइल में इंटरेस्टेड हो तो यार आप लोगों को सारी मतलब जितने मोबाइल्स के बारे में बताया सबकी लिंक आई बटन में मैं डाल रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। पहला जो स्मार्टफोन है वो Honor 8C, अगर आप लोग इसकी स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो आई बटन में मैंने आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दिया, आप लोग आराम से बिल्कुल आराम से देख सकते हो जिस मोबाइल में आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो Honor 8C यार ये एक बहुत ज़बरदस्त स्मार्टफोन है, एक मिड रेंज स्मार्टफोन है, और मतलब कई अच्छी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और जो सब कुछ मतलब जो जो इसमें गलत बातें हैं वो भी मैंने आप लोगों को उसी वीडियो में बताया। तो यार अगर आप लोग वो वीडियो देखोगे तो थोड़ी मेरी भी मदद हो जाएगी। तो अगर आप लोग देखना चाहते हो तो स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो देख सकते हो। यार ये मोबाइल वाकई में ज़बरदस्त है ऑनर की तरफ से। तो यार अगर हम लोग बात करें दूसरे स्मार्टफोन की, जो दूसरा जो स्मार्टफोन है वो है Honor 8A। अब अगर आप लोग 20,000 रुपये की रेंज में मोबाइल लेना चाहते हो तो ये आप लोगों के लिए बेस्ट स्मार्टफोन है। ये भी मुझे लगता है फरवरी के एंड में लॉन्च होने वाला है, और यार ये भी मतलब सबको हिला देगा, बजट में हिलाने वाला है। वाकई में यार ऑनर अच्छा काम कर रहा है, और ऑनर जो ब्रांड है ना वो बना ही मतलब बजट और मिड रेंज के लिए। तो अगर आप लोग देख सकते हो कि यार कई अच्छी स्पेसिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रहा है, और इसकी जो लिंक है अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो इसकी भी लिंक आप लोगों को आई बटन में दे रहा हूँ, आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगी। अगर आप लोग इस स्मार्टफोन को जानना चाहते हो इसकी स्पेसिफिकेशन, अगर आप लोगों की 20,000 तक की रेंज है तो आप लोग इस मोबाइल को आराम से ले सकते हो। तो यार अगर कब तक लॉन्च हो जाएगा वो भी मैंने आप लोगों को, फरवरी के एंड में मतलब लॉन्च होने वाला, और 20,000 रुपये की इसकी जो प्राइस होने वाली है ये भी एक्सपेक्टेड प्राइस है, और इसी प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है। तो अगर आप लोग इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो आप लोग आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हो। तो यार अगर हम लोग बात करें तीसरे स्मार्टफोन की, जो के हैं हुआवे Y7 2019 वेरिएंट। अब यार मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा, अगर जिस प्राइस में ये लॉन्च हो रहा है उस प्राइस में मतलब मुझे सही नहीं लगा यार। इसकी जो प्राइस है वो है 34,000 रुपये एक्सपेक्टेड प्राइस है अभी भी, और अभी बढ़ भी सकती है इसकी जो प्राइस है वो भी अभी 34,000 रुपये। और यार अगर ये प्राइस बहुत मतलब हाई है, मैंने इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन के रिलेटेड जो भी मतलब अगर आप लोग इस मोबाइल में इंटरेस्टेड थे तो मेरा ये कहना है कि आप इसको नहीं खरीदो जिस प्राइस में ये लॉन्च होने वाला है। सीधा मतलब हुआवे इस प्राइस टैग में तो हमारे को लूट रहा है, क्योंकि यार इससे कम प्राइस में हमारे को Realme C1 मिल रहा है, बहुत ही कम प्राइस में हमारे को मिल रहा है वही प्रोसेसर के साथ, और इसमें हमारे को प्रोसेसर मिल रहा है सिर्फ एक नॉच की वजह से। अगर आप लोग इसको ले रहे हो तो यार नहीं लो, मेरा यही कहना है। और अगर हम लोग देखें तो यार मैंने इसकी पूरी स्पेसिफिकेशन मतलब जो भी मतलब जो जो इसमें खामी है जो भी सब कुछ है वो मैंने आप लोगों को आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। और यार मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ये बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर आप लोग इसको लेने में इंटरेस्टेड है तो आई बटन में जो लिंक दिया हुआ है आप लोग पहले वो वीडियो देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, और आप लोग खुद डिसाइड कर लोगे कि क्या स्पेसिफिकेशन है और किस प्राइस टैग में हमारे को ये मिल रहा है। तो यार अगर हम लोग बात करें चौथे स्मार्टफोन की, चौथा जो स्मार्टफोन है वो है Huawei Nova 4। इसके लिए एक महीने से वेट किया जा रहा है, अब ये फरवरी के एंड में मतलब मार्च के फर्स्ट में या फरवरी के एंड में ये लॉन्च होने वाला है, और ये भी मोबाइल मतलब
काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग इस मोबाइल में इंटरेस्टेड हो तो यार इसकी मैंने मतलब इसकी मैं आप लोगों को पहले प्राइस बता दूँ। इसकी जो प्राइस है वो है 70,000 रुपये, और ये एक फ्लैगशिप मोबाइल है, क्योंकि यार हमारे को 2019 का ट्रेंड देखने को मिला है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले, और सबसे पहले मतलब हुआवे प्रोवाइड कर रहे हैं हमारे को नोवा 4 में, और सैमसंग के A8S में इसकी जो प्राइस है वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हाई है यार, और उससे कम प्राइस में हमारे को ये देखने को मिल रहा है, और बहुत जल्द भी देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग इस मोबाइल में इंटरेस्टेड थे तो फरवरी के एंड में ये देखने को मिलेगा, और यार इसकी जो प्राइस है वो 70,000 रुपये मैंने आपको बता दिया। और स्पेसिफिकेशन अगर आप लोग जानना चाहते हो तो मैंने आई बटन में लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोग कोई भी मोबाइल ले रहे हो तो यार एक दफ़ा स्पेसिफिकेशन ज़रूर देखनी चाहिए। तो आई बटन में लिंक है, आप लोग वहाँ से इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, और इसमें थोड़ा मेरा भी फ़ायदा होगा अगर आप लोग मेरी मतलब लिंक से देखोगे और मेरी वीडियो को थोड़ा मतलब प्रमोट कर ही दोगे। तो यार अगर आप लोग किसी भी चीज़ पर पैसा खर्च कर रहे हो तो इसकी स्पेसिफिकेशन जान लो, और मैंने आप लोगों को ये भी बताया कि क्या ये आप लोगों के लिए सही है या नहीं, तो आप लोगों को आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। तो यार अगर हम लोग बात करें पाँचवें स्मार्टफोन की, अब इसका तो यार सबको वेट है, रेडमी 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 हर जगह रेडमी रेडमी हो रहा है, और मतलब सबको परेशान कर दिया। 48 मेगापिक्सल सेंसर, और इतने कम प्राइस में, 30,000 रुपये की प्राइस में, और मतलब इसकी जो प्राइस होगी वो मुझे ऐसा लगता है कि 30 से 32,000 रुपये होने वाली है, और 660 प्रोसेसर, मतलब शाओमी जो है ना वो एग्रेसिव प्राइस रखता है। अब रेडमी एक ब्रांड हो चुका है, शाओमी और रेडमी अलग अलग ब्रांड हो चुके हैं, दोनों सब ब्रांड अब सेपरेट काम करेंगे, लेकिन अभी मतलब रेडमी ने मतलब काफ़ी अच्छा काम करो है यार। आप लोगों को अगर वेट है तो मेरे को इसके लिए मतलब मैं इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ जितना नोट 7 प्रो के लिए एक्साइटेड हूँ। उसके लिए मतलब मुझे मतलब बहुत वो है मतलब कि यार वो जल्दी आ जाए, जितना हो सके जल्दी आ जाए। और अगर आप लोग इस मोबाइल के लिए भी इंटरेस्टेड थे तो ये भी मतलब Q1 के एंड में आ जाएगा, मतलब फरवरी के लास्ट में या मार्च के फर्स्ट में ये आप लोगों को मिलने वाला है। और यार इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो भी मैंने आप लोगों को पहले से ही बताई हुई है, आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से इसकी स्पेसिफिकेशन देख सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा मोबाइल है, और उसकी जो प्राइस है वो 30 से लेकर 32,000 रुपये, और मतलब ये भी बहुत ज़बरदस्त एक पैकेज दे रहा है हमारे को शाओमी, और टाइप सी पोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है यार 30 से लेकर 32,000 रुपये की प्राइस टैग में। अब देखते हैं शाओमी इसकी जो प्राइस रखता है वो क्या रखता है, लेकिन अभी के लिए ये एक एक्सपेक्टेड प्राइस है, और यही मतलब शाओमी वालों ने एक बताया है कि इतनी प्राइस होने वाली है। तो अब आप देखते हैं कि यार शाओमी वाले क्या प्राइस रखते हैं, लेकिन मतलब इस प्राइस टैग में आ गया ना तो यार ये सबको पीछे छोड़ देगा, बहुत ही कमाल का मोबाइल ये हो जाएगा अगर इस प्राइस टैग में आ गया तो। और अगर आप लोग इस मोबाइल की स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग बिल्कुल आराम से देख सकते हो। तो यार मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यार यही थे टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन जो कि आप लोगों को मतलब वेट था। अगर आप लोग इन 5ों मोबाइल में इंटरेस्टेड थे, किसी भी एक मोबाइल में इंटरेस्टेड थे, तो आई बटन में सारे मोबाइल्स की लिंक दी हुई है, अगर आप लोग स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हो तो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करें, उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आप लोगों के लिए आगे भी ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँ टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन, तो यार ज़रूर बताना कॉमेंट में। और अपना ख्याल रखना यार, फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।